डीआरडीओ ने बनाई मिनी S-400। रूस को लगा झटका। डीआरडीओ का देखकर कारनामा दुनिया ने चबाई दांतों तले उंगली। दुश्मन का देश की सीमा तक घुसना हुआ और भी मुश्किल। दोस्तों, डीआरडीओ ने भारत के लिए इतना कुछ किया है जितना शायद ही कोई दूसरे ने किया होगा। यहाँ पर अभी डीआरडीओ की तरफ से खबर निकल के आ रही है जिससे ये पता चलता है कि डीआरडीओ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे कि भारत आत्मनिर्भर बन जाए। यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जैसे कि अब भारत आत्मनिर्भर की ओर अपने कदम बढ़ा लेगा और काफी तेजी से दुनिया को पीछे छोड़ देगा। इस समय डीआरडीओ भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरीके के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और एक ऐसी खबर निकल के आई है जिससे भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से उस पर काम किया जा रहा था, अब उसकी तरफ से एक अपडेट निकलकर सामने आ गई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर डीआरडीओ ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिखाया। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से एक हथियार को तैयार कर लिया गया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले 6 महीने में डीआरडीओ इसका परीक्षण भी करने वाला है। वैसे तो डीआरडीओ कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है क्योंकि डीआरडीओ ये बात अच्छे से जानता है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई ऐसा हथियार भारत के पास होना चाहिए जो किसी और देश के पास मौजूद ना हो, तभी यहाँ पर भारत मजबूत बन पाएगा। दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से एक छोटे हथियार पर काम किया जा रहा था। यह हथियार इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। यहाँ पर रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब देखा यह गया था कि यहाँ पर यूक्रेन द्वारा रूस के ऊपर छोटे छोटे हथियार से हमला किया जा रहा है जो कि काफी ज्यादा घातक दिखे। इसी को देखते हुए यहाँ पर डीआरडीओ ने भी ऐसे ही हथियारों को बनाने का निर्णय ले लिया था और डीआरडीओ इस पर काफी लंबे समय से काम भी कर रहा था। इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो जिस तरीके से S-400 होता है जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करता है, वैसे ही डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया ये भी एक छोटा S-400 है, ऐसा आप मान सकते हैं। इसका वजन मात्र 15 किलो है और इसके बारे में मिलता है ये भी आपको हवाई सुरक्षा मुहैया करवाता है जैसा कि S-400 करवाता है। इसके बारे में मिलता है कि आपको उस खतरे से बचाता है जिसका इस्तेमाल दुश्मन शुरुआती हमले के तौर पर किया करते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध में देखा होगा कि यहाँ पर रूस का यूक्रेन के ऊपर इतना दबदबा नहीं बन पाया जितना कि बनना चाहिए था। रूस के पास इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन गाइडेंस मॉरिसस मौजूद नहीं था जितना कि रूस के पास होना चाहिए था। इसी वजह से यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर रूस का इतना दबदबा नहीं बन पाया और रूस यूक्रेन के ऊपर नॉन गाइडेंस बम बरसा रहा था जो कि बहुत ज्यादा भारी होता है और इसके बारे में मिलता है कि इसे आप निशाना नहीं लगा सकते हैं। ये ग्रेविटी की मदद से नीचे गिर जाया करता है, लेकिन यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन गाइडेंस मॉरिसस के साथ पॉसिबल है कि आप इसे निशाना लगा सकते हैं और इसी चीज का फायदा यहाँ पर यूक्रेन उठा रहा था क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका से फ्रस्ट्रेशन गाइडेंस मॉरिसस मिल गया था। यहाँ पर यूक्रेन इंतजार में रहता था जैसे ही रूस का कोई एयरक्राफ्ट अंदर बम गिराने के लिए घुसता था तो यहाँ पर यूक्रेन इसे निशाना लगाता था और ऐसा करके यूक्रेन ने रूस का कई एयरक्राफ्ट कैरियर मार गिराया है। ये इतने ज्यादा हल्के होते हैं कि इसे आप अपने कंधे पर रखकर भी चला सकते हैं और हमने अजरबैजान के युद्ध में भी देखा था कि ड्रोन कैसे गेम चेंजर साबित हुए थे और इस युद्ध में देखा जाए तो ये मैनपैड एक गेम चेंजर साबित हो गए हैं और भारत देश इसका इस्तेमाल काफी पहले से ही कर रहा है। लेकिन भारत अभी तक अपने ऊपर निर्भर नहीं था, यहाँ पर भारत रूस से मैनपैड लिया करता था और इसी को देखते हुए यहाँ पर भारत ने रूस के ऊपर से अपनी निर्भरता कम करते हुए अपना पहला कदम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ा दिया और ये कदम काफी सफल भी साबित हुआ। यहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा जिस तरीके का मैनपैड बनाया जा रहा है ये दुनिया से अलग होने वाला है। इसमें कई तरीके की एडवांस चीजें भी देखने को मिलने वाली है। डीआरडीओ के द्वारा इसको इतना आधुनिक बनाया जा रहा है कि हमारे सभी हथियारों के साथ लिंक रहेगा और यहाँ तक की खबर निकल के आई है कि जो एयरक्राफ्ट अभी भारत की सीमा के अंदर घुसे भी नहीं होंगे उसकी भी जानकारी इस तक पहुँच जाएगी और ये भी उस पर हमला कर सकता है। डीआरडीओ द्वारा जो मैनपैड बनाया गया है उसका नाम है MPDMS यानी मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम और इसके बारे में मिलता है ये 6 किलोमीटर तक की रेंज देता है और 3.5 किलोमीटर की एल्टीट्यूड आपको देता है। और इसके बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसे ये भी पता चलता है इसका वजन 15 से 20 किलो के आसपास होने वाला है और इसे कहीं भी ले जाना और ले आना काफी ज्यादा आसान रहेगा। इसके काम में काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है और इसके बारे में खबर निकल के आ रही है कि डीआरडीओ ने इसके 20 की संख्या में इसकी मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाने वाला अनकोल्ड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर जिसे कि टेंडर निकाला गया था और उसके द्वारा इसको बनाकर डीआरडीओ को सौंप दिया गया था। और इसको लेकर खबर आई है कि 2023 की शुरुआत में हमें इसको लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। इसका फायदा युद्ध की शुरुआत में उठाया जा सकता है, जैसे किसी देश से हमारा युद्ध होगा तो ऐसे में उस देश के एयरक्राफ्ट भारत की सीमा के पास आएंगे तो हम इसका इस्तेमाल करके उन एयरक्राफ्ट को आसानी से गिरा सकते हैं और पहाड़ों वाले एरिया में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि दुश्मन देश में कहीं से भी घुस सकता है और खास करके हो सकता है यहाँ पर दुश्मन द्वारा सरप्राइज हमला भी किया जाए
ऐसे में भारत को हर तरीके से तैयार रहना होगा और उस नजर से देखेंगे तो ये चीज हमें एक तरह से काम आने वाली है। डीआरडीओ के इस काम से आप कितना ज्यादा खुश हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वहीं अमेरिकी सीनेटर टैमी डकवर्थ ने मंगलवार को ताइवान की एक साल में दूसरी यात्रा की है। इस दौरान उन्होंने ताइवान के लिए अमेरिका के समर्थन को दोहराया। डकवर्थ ने ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के साथ बैठक में ताइपे और वाशिंगटन के बीच घनिष्ठ आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों पर जोर दिया। उधर चीन ने नियमित उड़ानों के चल रहे अभियान में सोमवार को 30 तने विमान द्वीप की ओर भेजे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा उन्होंने अपने जेट विमानों से जवाब दिया, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को अलर्ट पर रखा और रेडियो चेतावनी जारी की। डकवर्थ ने कहा कि वो ताइवान सुरक्षा के लिए हमारे समर्थन पर जोर देना चाहती है। अमेरिका ने संसद में ताइवान को सशस्त्र बलों और नेशनल गार्ड के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिल रखा है। इलिनॉइस के डेमोक्रेटिक सीनेटर डैमी डकवर्थ ने ताइवान के राष्ट्रपति त्साई को बताया, मैं कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ सेना के बारे में नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के बारे में भी है। त्साई ने कहा कि ताइवान जल डमरों मध्य में शांति और स्थिरता को महत्व देने के लिए अमेरिकी सरकार और कांग्रेस को धन्यवाद कहा। इसके साथ ही डकवर्थ को ताइवान से संबंधित सुरक्षा मुद्दों पर कड़ी नजर रखने के लिए धन्यवाद दिया। चीन ने कहा कि वो डकवर्थ की यात्रा की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिनजियान ने कहा कि ताइवान चीन का एक प्रांत है, वहाँ का कोई तथाकथित राष्ट्रपति नहीं है। उन्होंने अमेरिका से ताइवान के साथ सभी आधिकारिक संपर्क समाप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ताइवान मुद्दे पर कई गलत संकेत दिए हैं। अमेरिकी सरकार को राष्ट्रपति जो बाइडेन की टिप्पणी को व्यवहार में लाना चाहिए। जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका चीन के साथ एक नया शीत युद्ध नहीं चाहता है, चीन की प्रणाली को बदलने का लक्ष्य नहीं है और ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर कहा, अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप करेगा। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने ताइवान के खिलाफ चीन की धमकियों को नई सिरे से फोकस में डाल दिया है। इसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सीनेटर की ओर से हथियार की बिक्री के लिए समर्थन और राजनीतिक समर्थन में वृद्धि हुई है। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।